नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, व्यापार मंडल बैठक में पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। राजधानी लखनऊ की मलियाबाद विधानसभा के रहीमाबाद में मंगलवार को रहीमाबाद व्यापार युवा मंडल की टीम गठित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरदेश कुमार व विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी मलियाबाद नवीना शुक्ला उपस्थित रही। जिसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरदेश कुमार ने बताया कि जब हमारे व्यापारी साथी आशीष गुप्ता जब आमंत्रित करने के लिए गए, तब मैंने की इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है जो लोगों के बीच जाने को मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरदेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अगर किसी भी तरीके से कोई महिलाओं को समस्या आती है तो नज़दीकी पुलिस को सूचना दें। क्षेत्राधिकारी नवीना शुक्ला ने बताया कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो प्रशासन की तरफ से तो सूचना दे, उसका जल्द से जल्द निर्माण कराया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। वाणिज्य कर विभाग से अशोक मिश्रा ने बताया कि सभी व्यापारी अपने व्यापार का GST पंजीकृत करवाएं। जो भी सरकारी लाभ मिलते हैं ये वो पंजीकृत व्यापार के व्यापारी को ही मिलते हैं। मलियाबाद गोपेश्वर गौशाला के प्रबंधक उमाकांत गुप्ता ने बताया कि जब से हमारी नई क्षेत्राधिकारी मलियाबाद नवीना शुक्ला आई हैं, तब से पुलिस प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त है। विधानसभा अध्यक्ष जिशान वली ने सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि व्यापार मंडल ने हमेशा जायज लड़ाई लड़ने का काम किया है, व्यापारियों की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है। लॉकडाउन में व्यापार मंडल का कार्य निरंतर चलता रहा। संगठन के पदाधिकारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि व्यापार मंडल का उद्देश्य ईमानदारी, कर्मठता व ग्राहक को भगवान का रूप मानते हुए ग्राहक की हमारा सर्वोपरि है। अगर किसी भी अन्य दुकान पे सस्ता माल पहले का स्टॉक में लगा हुआ है और तुम्हारे पास ताज़ा माल महंगा है तो मिलावट ना करके धैर्य रखें, अगले के पास सामान खत्म हो जाने दें तब बेचें, धोखा नहीं। ग्राहक से व्यापार मंडल की स्थापना किसी चीज़ का विकल्प नहीं, रोड कभी भी जाम नहीं करना। संबंधित अधिकारियों के अपनी समस्या संज्ञान में दें, जब ना सुने तो अधिकारी के कार्यालय का घेराव करिए। ऐसा कोई कार्य ना करें जो किसी अन्य के कार्य में बाधा बने। व्यापारी अपने धैर्य को रखता है, गड़ी ईट उखाड़ने का कार्य करिए। जो भी करे कानून व्यवस्था का पालन करते हुए, व्यापार मंडल सशक्त व्यापार मंडल है। वरिष्ठ जिला महामंत्री सुनील गुप्ता ने बताया कि किसी भी व्यापारी की इतनी हिम्मत नहीं जो किसी भी व्यापारी का हनन करे। ये भी बताया कि जो दो दिन की साप्ताहिक बंदी में से एक दिन का लॉकडाउन हटा है, जब हटा था उसको दो दिन पहले प्रांत मंत्री बनवारी लाल कंठल ने विज्ञापन दिया था साप्ताहिक बंदी को हटाने के लिए, उसी के बाद हटा है। जिसमें नव निर्वाचित अध्यक्ष अनूप गुप्ता, महामंत्री राहुल गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरदेश कुमार व क्षेत्राधिकारी नवीना शुक्ला, थाना प्रभारी निरीक्षक मलियाबाद नित्यानंद सिंह, रहीमाबाद चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार को अंगवस्त्र व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। जिसमें मौजूद रहे वरिष्ठ जिला महामंत्री लखनऊ व प्रदेश प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष जिशान वली, मलियाबाद नगर अध्यक्ष आशीष गुप्ता, हरिकृष्ण गुप्ता, संरक्षक रहीमाबाद व्यापार मंडल अजय कुमार गुप्ता, अध्यक्ष रहीमाबाद व्यापार मंडल आदि कई लोग उपस्थित रहे।